चलिए इस वक्त की बड़ी खबर देखेंगे। रायपुर से मिल रही है, राजधानी में हाई प्रोफाइल ड्रग्स कार्रवाई का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय पैडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाइजीरियन पैडलर को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस की 5 से 6 सदस्यीय टीम मुंबई गई हुई थी ड्रग्स मामले में। अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई और खुलासा है दोपहर 2 बजे। एएसपी लखन पटेल, आईपीएस अंकिता शर्मा इस पूरे मामले का पटाक्षेप करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त बता रहे हैं शिवम मिश्रा, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले में ये बड़ी गिरफ्तारी किस तरह से देखते हैं? 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते 1 महीना पहले पुलिस ने 2 पेडलरों को गिरफ्तार किया था ड्रग्स मामले में रायपुर के बैरन बाजार से, वहां से ही पूरा ड्रग का मामला शुरू हुआ और पुलिस लगातार इस मामले पर प्रमुखता से भिड़ी रही, लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ दी गई। और उसी समय से लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जो रायपुर में एक नशा का गिरोह जो यहाँ पर उभरता जा रहा है, लगातार अन्य राज्यों से जहाँ पर नशे आ रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन तो कहीं ऊपर से है। और ये आशंका जताई जा रही थी लंबे समय से कि इसका कनेक्शन कहीं मुंबई से ना निकले, कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ना निकले। लगातार इस पर कार्रवाई की गई, लगातार जांच की गई, पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया गया, इसमें एसएसपी खुद ब्रीफिंग ले रहे थे इसमें। इसके बाद लगातार पुलिस अधिकारी यहां पर इस बात पर लगे हुए थे, जिसके बाद से 15 से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 15 से 16 पेडलर गिरफ्तार हुए इस मामले में, जिसके बाद आज एक सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। और हो सकता है कि आज के बाद से ड्रग की जो जांच हो ये यहां से रुक सकती, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है पेडलरों में, ड्रग्स की जांच रुक सकती है कि नई दिशा में जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ये भी एक नया दौर तो हो सकता है कि नई दिशा पर भी जांच जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज एक नाइजीरियन को गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद 2 बजे इस मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ और एक नया रोह देखने को मिल जाए, कोई एक नया एंगल निकल जाए, उस एंगल से भी एक नई जांच शुरू की जा सकती है। लेकिन एक बार पर ये भी तो बात हो सकती है कि किस तरीके से जो लगातार नशे का गिरोह बढ़ता जा रहा था राजधानी रायपुर पर, पुलिस की एक दमदारी जो कार्रवाई इस बात को की कही गई है कि पिछले 1 महीने से पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, 15 से 16 पेडलरों को गिरफ्तार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं राजधानी में ड्रग का मामला तो अब थम चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले समय के लिए नई रणनीति बनाई जाए। बहुत शुक्रिया शिवम, जानकारी के लिए आपका। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। इंदौर के